कवि। जी हाँ, मुंबई के मशहूर हिंदी कवियों का सम्मेलन आयोजित किया गया मराड़ पश्चिम स्थित मित्तल कॉलेज में। मौका था हिंदी पखवाड़े का। महाविद्यालय प्राचार्य श्रीमती आर्या मैडम ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उपरोक्त सम्मेलन में सुप्रसिद्ध कवि महेश दुबे, राम सिंह, संध्या यादव, जेपी सिंह ने अपने हास्य रस से उपस्थित मेहमानों और बच्चों को लोटपोट कर दिया। आइए देखते हैं ये हमारी विशेष रिपोर्ट। So, प्रिय विद्यार्थीगण, मेरे सभी सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं और आदरणीय अतिथिगण महेश दुबे जी, राम सिंह जी और संध्या जी, आप सबका मित्तल कॉलेज की तरफ से, हम सब की तरफ से स्वागत है। और आज का दिन बहुत मुझे यानी एकदम खास लग रहा है, क्योंकि हम पहली बार शायद कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और बच्चों, मुझे यानी हिंदी से बहुत लगाव है, हिंदी साहित्य, कुछ भी हिंदी के अच्छे अच्छे वर्ड पकड़ना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कभी कभी मैं जब पुरानी पिक्चरें देखती हूँ तो मैं कंपेयर करती हूँ कि अभी देखो कैसी भाषा यूज होती थी पहले पुरानी पिक्चरों में और अभी कैसी है। दोस्तों, अब चलते हम सही कवियों की तरफ। अब तक तो नवोदित कवि थे, अब जो सिद्धस्थ कवि हैं उनकी तरफ चलते हैं। एक पंक्ति याद आती है कि जो तेरे पायलों से घनघनाती थी, जो तेरे पायलों से घनघनाती थी, वो मेरे बाजरे की फसल होगी और जिन हवाओं ने तुझे दुलाया होगा, ऐसी तेरी कविता। मैं संध्या यादव, नेशनल कॉलेज में आपकी विभाग की प्राध्यापिका है। आज पहली बार इस मंच से कविता पाठ करेंगी। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जो वैसे तो पहली बार ही सब लोग कहीं कहीं से कविता पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं मैडम को आमंत्रित करता हूँ, आइए आप अपने रचनाओं से हमें प्रस्तुत कीजिए। मोबाइल बिन जग सुना सुना कौन कहता है कि ऑक्सीजन बाहर से मिलती है, ऑक्सीजन तो हमें हमारे मोबाइल से मिलती है। पुराने सारे साइंटिस्ट, पुराने सारे लोगों ने झूठ कहा था कि ऑक्सीजन बाहर है। ऑक्सीजन का डिब्बा तो हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं और अगर वो जेब से निकल जाए, उछल कर गिर जाए तो देखिए हमारी सांसें कैसे रुक जाए। मोबाइल बिन जग सुना सुना लागे, नेट बिन अधूरा। व्हाट्सएप फेसबुक बन गए ऑक्सीजन, बाकी सब लागे जी का जंजाल, क्योंकि मोबाइल बिन जग सुना सुना हो जाते।
आते सब काम आसानी से, न नून लगे न फिटकरी, हो जाता रंग भी चोखा चोखा, इसीलिए तो मोबाइल बे जब सुना सुना। अभी कल की ही बात ले लो, दोस्त ने व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भिजवाया, दोस्त ने शादी का कार्ड व्हाट्सएप पर भिजवाया, हमने भी महंगाई के इस जमाने में दिल पे पत्थर रख के 5001 का चेक व्हाट्सएप पर ही भिजवाया। दिल बाग बाग हो गया, दिल बाग बाग हो गया जब चार चार स्माइली फेस उसने तुरंत ही दिखलाया, और इसीलिए तो मोबाइल पे जब सुना सुना लाया। आपको महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, सपने बिखर गए, तबिता इन्होंने एक पुस्तक लिखी सपने बिखर गए, लेकिन लगता है वहीं से इनके सपने जुड़ गए, इनके सपने साकार हो गए। ऐसी कविता भाई राम सिंह आपको सुनाएंगे। और शंकर जी देख रहे ये इसीलिए बात बोल रहे शंकर जी पहले छुपे और बोले बस बोलो तुमको क्या भर दू, ये बोले क्या बात करती है माँ, भर तो मैं खुद हूँ। क्लास में 3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी शब्द को पढ़ाया, एक लड़का इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाया, बार बार इलेक्ट्रिसिटी दोहराया, उसके समझ में आया, उसने दूसरे दिन उसकी माँ को बुलाया, बोला आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाता, इलेक्ट्रिसिटी कहता है, ये कैसे आगे बढ़ेगा, अरे सर छोटा है, अरे इसकी कैपेसिटी कितना है, मैं सोचा इस बात का जड़ का पता लगाऊं। तीसरे दिन उसके दादा को बुलाया और मैंने कहा कि भाई आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर पाता है, आपका बेटा और बहू कैपेसिटी नहीं कर पाता है, तो बताइए लड़का कैसे आगे बढ़ेगा। दादा परेशान और मूंछों पर ताव देके बोले यही तो रोना है, हमारे पास बहुत धन है, दौलत है, लेकिन आज तक हमारे घर का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाया। और मजे की बात बताऊं, लड़के लेट आते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेट आते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, दो लड़के आए लेट, मैंने पूछा क्यों लेट आए, एक लड़का खड़ा हुआ कहा शरीफ मेरी गलती नहीं, मैंने कहा क्यों, तब किसी गलती है, कहा मैं आ रहा था मेरे मम्मी पापा लड़ रहे थे, मैंने कहा तू रेफरी था क्या कर रहा, कहा सर नहीं मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था। इतना ही नहीं, मैंने दूसरे बच्चे से पूछा बेटा बेटा तू क्यों लेट आया, वो लड़का होशियार था, उसने कहा सर मैं लेट आया इसमें थोड़ा कारण था, एक आदमी का 500 रुपए का नोट गिर गया था, मैं कहा तू क्या कर रहा था, खोद रहा था, कहा नहीं सर मैं उसके जाने का इंतजार कर रहा था, कहा पैर के नीचे मैं सुनोट को दबा रखा था। आज इस महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारतवर्ष में आप हास्य के चर्चित कवि माने गए हैं, चाहे जो भी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर आप ओपन करेंगे तो महेश जी को जरूर पाएंगे। बड़ी आशा के साथ हम आपका इंतजार कर रहे हैं, महेश जी आइए। सबको बच्चों के मन का जो उत्साह है, इनकी जो प्रफुल्लता है, जो इनके अंदर एक नेचुरल खुशी है, वो हम लोग भूल गए हैं। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर से बचपन चला जाता है। बच्चे एकदम जबरदस्त है, मेरे घर पे भी है, 3 बार फेल हो गया, चौथी बार रिजल्ट लेने जा रहा था, मैंने कहा इस बार भी फेल हो गया तो मेरे को पापा मत बोलना। शाम को घर पे आया, मैंने पूछा क्या हुआ, बोला छोड़ने यार महेश कोई और बात कर। मैं प्रोग्राम में कविता सुना रहा था, एक बच्चा आया, नीचे से पत्थर उठाया, लगा मेरे सिर का निशाना, मैंने कहा बेटे पसंद नहीं आ रहा तो बंद कर दूं, बोला नहीं अंकल तुम सुनाओ, तुम तो हमारे मेहमान हो, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो तुमको बुला के लाया। सारे बच्चों की भावनाएं और मेरी भावना 2 शब्दों में देता हूँ कि खूबसूरत है आप, खुद को बुरी नजरों से बचाया कीजिए, खूबसूरत है आप, खुद को बुरी नजरों से बचाया कीजिए, और नजर से बचने के लिए आंखों में काजल ही काफी नहीं है, गले में एक नींबू और मिर्ची भी लटका।
मौजूद हैं मालाड़ के मित्तल कॉलेज में, जहां पर हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी साहित्य काव्य का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां पर हमारे साथ महेश दुबे जी हैं, जो बहुत ही चर्चित कवि हैं। आज उनसे भी जानेंगे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, आज उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी आप मातृभाषा है, तो आप पढ़ने लिखने के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग करें अच्छी बात है, लेकिन हिंदी से भी जुड़ाव रखें, क्योंकि हिंदी ही हमारी संस्कारों की भाषा है, हमारी जड़ों की भाषा है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमारे राज्य सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? हिंदी में कई जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट बनाए गए, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हिंदी का एक, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हिंदी के उत्थान के लिए बहुत कार्य करते हैं, और हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हर तरह से प्रोत्साहित कर ही रहे हैं। ज़रूरत है कि आम लोग भी इससे जुड़ें, और रोजी रोटी के लिए भले कोई भी भाषा पढ़ें, कितना भी ज्ञान अर्जित करें, लेकिन हिंदी भाषा से जुड़े रहें। जहाँ बात करते हैं शहरों की, शहरों में क्या होता है, बीएमसी एक डिपार्टमेंट दिया गया, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी एक, आपको नहीं लगता है कि हिंदी भाषियों के लिए जो भी शिकायत करता है या कोई भी आवेदन लेके जाते हैं, एक अलग केबिन, कुछ अलग तरीके का कोई सिस्टम देना चाहिए? दरअसल ये तो अभी शासन के ऊपर है, अगर सारे हिंदी भाषी एक साथ मिल करके इस विषय में आवाज़ उठाएं तो हो सकता है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों? छात्रों को चाहेंगे कि वो मातृभाषा और राजभाषा राष्ट्रभाषा के प्रति जोर दें, और सब साथ साथ लिखें पढ़ें। तो ये भाषा, मातृभाषा कुछ भी हो, माँ का जैसे महत्व होता है, मातृभाषा का महत्व उतना ही होना चाहिए। और रोजी रोटी के लिए कुछ भी भाषा पढ़ें वो अलग बात है, लेकिन अपने संस्कारों की भाषा है तो इसको अपने ज़मीनी धरातल पर घर में और अपने दोस्तों यारों से हिंदी में ही बात करें। अंग्रेजी की बात, एक जो खिचड़ी की भाषा लोग बोल रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। प्रयास करें, ठीक है, हिंदी, शुद्ध हिंदी और संस्कृत में हिंदी, सारगर्भित हिंदी, वो कोई बात नहीं, लेकिन हम मुंबईया हिंदी जो बोलते हैं उसको भी बोल करके हिंदी बोलचाल में हमेशा इसका प्रयोग करना चाहिए, लिखना पड़ना चाहिए। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, और क्या क्या हिंदी भाषियों के लिए, उत्थान के लिए बच्चों के लिए क्या करें? बहुत प्रतियोगिताएँ हिंदी में आयोजित करनी चाहिए, जैसे निबंध प्रतियोगिता है, वाद विवाद, और उसी तरह यानी कई स्पर्धाएं जो हिंदी भाषा के उपयोग से यानी आयोजित की जा सकती है, वो सभी यानी प्रतिस्पर्धाएं यानी आयोजित करनी चाहिए, और बच्चों को एक तरह का प्रोत्साहन देना चाहिए। आजकल बच्चे यानी ऐसे, उनकी भी ज़िंदगी थोड़ी यानी व्यस्त हो गई है, कॉलेज में आते हैं फिर उनको यानी जल्दी से क्लासेस जाते हैं, बहुत से बच्चे कुछ जॉब करने जाते हैं, महंगाई के कारण बहुत से बच्चे खुद कमाई के लिए जाते हैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद। तो हम चाहते हैं कि यानी जितना भी उनको समय विद्यालय में मिलता है तो ज़रूर यानी कंपलसरी यानी करना चाहिए कि साल में कम से कम 4 या 5 प्रतियोगिताएं, हिंदी प्रतियोगिताएं जरूर यानी होनी चाहिए, जिससे कि हिंदी भाषा का प्रमोशन हो। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हैं, मैं आपसे एक इससे हट के एक सवाल जानना चाहूँगा कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो इंटरनेशनल स्कूल्स है वहाँ पर हिंदी भाषी बच्चे होते हैं और जिनकी माता पिता शिक्षा अशिक्षित होते हैं, उनको एडमिशन नहीं लिया जाता, ऐसे लोगों के लिए? नहीं, ऐसा यानी एडमिशन नहीं दे दिया जाता है, वो बहुत ही गलत बात है, उनको एडमिशन तो देना ही चाहिए। और जैसे अभी राम सिंह जी ने भी कहा, महेश दुबे जी ने कहा कि यानी अंग्रेजी ठीक है, यानी आज के युग में अपने को अंग्रेजी सीखना जरूरी है, क्योंकि यानी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सभी देश के साथ में हमारे संबंध जुड़े हुए हैं, लेकिन यानी हिंदी भी यानी होना ही चाहिए। और बिकॉज उनको यानी इंग्लिश नहीं आती है, माँ बाप को अंग्रेजी नहीं आती है तो बच्चों को भी नहीं आती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, मैं खुद एक दक्षिण भारतीय हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहकर मराठी बोलना सीख गई हूँ, तो क्यों वो बच्चे क्या नहीं सीखेंगे अंग्रेजी? तो उनको यानी एकदम सरासर अन्याय है कि अगर उनको नहीं लिया जाता है तो गलत है, और इसके लिए यानी सरकार ने कोई कदम उठाने चाहिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और इसके लिए मैं यहाँ के हिंदी विभाग और प्राचार्य जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, ताकि जो हमारे छात्र हैं, एक तो उनकी योग्यताओं का विकास होता है, और दूसरा उन्हें एक रास्ता मिलता है कि भाई हिंदी के को अपना कर भी वो अपना भविष्य बना सकते हैं। और महेश दुबे जी जैसे लोग जब बच्चों के सामने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई हिंदी उपेक्षित नहीं है, हिंदी को अपना कर भी लोग आगे बढ़ सकते हैं, बिना अंग्रेजी की बैसाखी लिए भी हिंदी अपने आप में समर्थ है लोगों को आगे लाने, उनकी योग्यताओं का विकास करने के लिए। कहीं ना कहीं आज समाज हिंदी क्षेत्र से वंचित होता नजर आ रहा है, इसलिए आज
हिंदी दिवस के मौके पर और हिंदी दिवस के अवसर पर पिछले 15 दिनों से ही मित्तल कॉलेज में हिंदी के प्रति जागरूकता एक अभियान के तहत और बच्चों को शिक्षा प्रेरित किया जा रहा है। आज के हिंदी साहित्य परिषद से क्या सीख मिलती है आपको, क्या लगता है? सीख तो बहुत कुछ मिलती है कि हमें हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा और गौर करना चाहिए और इसके बारे में हमें हमारे कॉलेज से अगर प्रोत्साहन मिलता है तो बहुत अच्छा है और हिंदी साहित्य के बारे में हमें एक ऐसी बुलंदियों पर पहुंचना चाहिए कि हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसके ऊपर भी ज़्यादा गौर करना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है इसलिए हमें हिंदी तो सीखना ही चाहिए और हिंदी आज हमारे प्रिंसिपल मैम ने, मनीषा टीचर, वी सर, उन्होंने सब ने हमारे हिंदी का प्रोग्राम करके हमें और ये दिए प्रोत्साहन, प्रेरणा दी कि हमें हिंदी इसलिए हमने हिंदी के बारे में आज बहुत कुछ सीखा और हिंदी हमें सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम कौन से भी देश में जाए हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम हिंदी वापर सकते हैं क्योंकि हिंदी सबको समझ आती है। कैमरा पर्सन महेश शाउन के साथ रितेश तिवारी, मालाड़।